इसमें उसने अपनी पिक्चर लगाई है और साथ में अपनी वीडियो भी ऑफर कर दी है कि ये सर्विसेज, और इसने अपनी सर्विसेज की वीडियो बनाई है जिससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो आप मज़ीद इसने कुछ बैकग्राउंड रिमूव सर्विसेज ऑफ़र की हैं जिनको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अच्छी सर्विसेज ऑफ़र कर रहा है। इसकी गिग जो है ये राइट साइड पे भी अवेलेबल है, स्टैंडर्ड 20 इमेजेस $5 में कर रहा है, 40 इमेजेस $10 में, और 100 इमेजेस $25 में। सो यहाँ पे इसकी गिग की डिस्क्रिप्शन है एंड देन पर्पस क्या है, और टाइप, बैकग्राउंड रिमूवल, क्लिपिंग पाथ, इमेज साइजिंग, ये सारी डिटेल्स इसने दी हैं। फिर इसकी कब से इसने स्टार्ट की है, ज्वाइन की 2017 से, बांग्लादेश से बिलोंग करता है, 1 आवर टाइम है। यहाँ पे उसने अपने बारे में थोड़ा लिखा है, आई एम सेफ अ फुल टाइम फ्रीलांसर विद स्किल्स इन एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब लाइटरूम एंड कैनवा, एंड आई एम हेयर टू प्रोवाइड यू ग्रेट क्वालिटी सर्विसेज एंड माई कोर वैल्यू इज़ टू प्रोवाइड फैंटास्टिक कस्टमर सर्विस। इस तरह से आपने भी अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है ताकि आपको भी अच्छे ऑर्डर्स मिल सकें। जी अच्छा जी, अब इनकी गिग को एक्सप्लोर करते हैं। पहले पैकेज में सोर्स फाइल जो है, ये तीनों में सोर्स फाइल प्रोवाइड नहीं प्रो सेकंड, ये अपने तमाम पैकेजेस में एडिटिंग की सर्विसेज दे रहा है। इसमें 20 इमेजेस हैं, इसमें 40 इमेजेस हैं, इसमें 100 इमेजेस हैं जो इसने बैकग्राउंड रिमूव करके प्रोवाइड करने हैं। सोर्स फाइल सिर्फ थर्ड पैकेज में ऑफर कर रहा है, देन हाई रेजोल्यूशन फाइल्स तीनों में ऑफर कर रहा है, कमर्शियल यूज़ सिर्फ स्टैंडर्ड और प्रीमियम में ऑफर कर रहा है। नंबर ऑफ इमेजेस की डिटेल्स बता दी गई हैं, रिविजन्स अनलिमिटेड है सारी। पहली गिग के लिए 1 डे है, सेकंड के लिए भी 1 डे, और थर्ड के लिए 2 डेज है। अगर आप 1 डे में चाहते हैं तो एडिशनल $10 पे करेंगे तो ये आपको 1 डे के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। रिकमेंड एंड फोटो मैनिपुलेशन, ये कुछ एफएक्यूज इसने ऐड किए हुए हैं, 1579 रिव्यूज़ हैं, और फिर इसके बाद ये कुछ कस्टमर रिव्यूज़ हैं, लाइक आसिफ डस अमेजिंग वर्क, ही रूटीनली बीट्स एंड डेडलाइन द डेडलाइंस ही सेट्स एंड इज प्लेयर टू वर्क विथ। सो ये एक बड़ा अच्छा इमेज जाता है क्लाइंट के माइंड में ऑर्डर करने से पहले। फिर रिलेटेड टैग्स में इसने अमेजोन लिस्टिंग रिमूव, बैकग्राउंड कटआउट इमेज, बैकग्राउंड चेंज, बैकग्राउंड रिमूवल, ये इसने टैग्स लगाए हैं। एंड चलिए अब हम अपनी गिग बनाना स्टार्ट करते हैं। विल गो ऑन फाइवर, यहाँ पे हम प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास डैशबोर्ड है, मैसेजेस हैं, ऑर्डर्स हैं, गिग्स हैं, एनालिटिक्स है, अर्निंग है, कम्युनिटी है, मोर है, एक्टिव गिग्स, पॉज्ड गिग्स आ रही हैं कि अगर आपने कोई गिग बनाई है और आप उसको पॉज करना चाहते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ गए हैं तो आप उसको पॉज भी कर सकते हैं, या फिर आप अवेलेबल नहीं हैं तो भी आप उसको पॉज कर सकते हैं। ये अकाउंट मैंने बनाया था अराउंड 3 ईयर्स बैक, बट आप लोगों को सिर्फ सिखाने के लिए आई एम शेयरिंग डिटेल्स, कि जिसमें एक सिंपल सी आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं कि आप किस लैंग्वेज में फ्लुएंट हैं, फिर यहाँ पे आप अकाउंट्स को लिंक कर सकते हैं, यहाँ पे स्किल्स हैं कि आप कौन से स्किल्स या चीज सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। ये स्किल्स यहाँ पे आप सारे ऐड कर दीजिएगा बट अकॉर्डिंग टू योर स्किल सेट, यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन सर्टिफिकेशंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। जी लेट्स क्रिएट अ न्यू केक, लेट्स क्रिएट अ न्यू, आई विल डू समथिंग आई एम रियली गुड एट। अच्छा अब यहाँ पे आपने टाइटल देना है, टाइटल में हमने जैसे देखा कि आई विल रिलेट अमेजोन ई कॉमर्स प्रोडक्ट पिक्चर्स रिमूव बैकग्राउंड, आई विल प्रोफेशनली डू बैकग्राउंड रिमूवल, आपने ना बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना है इस टाइटल को, तो आपने यहाँ पे लिखना है आई विल डू टू बैकग्राउंड फॉर यू, आई विल डू प्रोफेशनल फोटो बैकग्राउंड इमेजेस फॉर यू। अच्छा इसके बाद सेलेक्ट अ कैटेगरी, अब कैटेगरी आप देख लें कि यहाँ पे कौन सी कैटेगरी आती है, ये आपकी कैटेगरी ग्राफिक एंड डिज़ाइन में आ जाएगी। सेलेक्ट अ सब कैटेगरी, अदर कर लें,
इसके बाद सर्च टैग्स, आप यहाँ पे टैग्स में फॉर एग्जांपल इन्होंने कौन से टैग्स यूज़ किए हुए थे, बिल्कुल एंड में आ जाता है। फोटो रिटचिंग, बैकग्राउंड रिमूवल, फोटो रिटचिंग, फोटो एडिट, एडिट फोटोज, सेव एंड कंटिन्यू। जी इसके बाद आपने प्राइसिंग करनी है, नेम यू पैकेज बेसिक। आप इसको पैकेज का नाम भी चेंज कर सकते हैं, मगर हम अभी इसके नाम को नहीं चेंज करेंगे। डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग, इसमें आप लिखें जितने भी इमेजेस आप एडिट कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड 5 5 images, डिलीवरी टाइम 1 डे या 2 डे रख लें, क्योंकि इतना टाइम इसमें नहीं लगेगा तो आप 1 डे ही रख लें। देन सिलेक्ट रिवीजन्स, आप रिवीजन्स कितनी करके देंगे, अनलिमिटेड आप दे दें, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जिसमें आप रिवीजन्स पे कोई मसला आपको हो। सोर्स फाइल, आप सोर्स फाइल उस पर HD की भी डाउनलोड करेंगे तो सोर्स फाइल पे क्लिक कर दें, अगर सोर्स फाइल आप नहीं दे सकते तो आप इसको रहने दें। शिपिंग, आप शिपिंग को भी आप रहने दें। प्राइसिंग, प्राइसिंग आप इसमें $5 कर दें। क्रिएट पैकेजेस, नेम यू पैकेज सेकंड स्टैंडर्ड है। से आई विल रिमूव बैकग्राउंड इमेज ऑफ ऑफ 10 images, बट बेहतर ये है कि जितने ज़्यादा आप पिक्चर्स ऑफर करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको काम मिलने का चांसेस ज़्यादा होगा। तो आप इसको 15 कर लें, इसका भी डिलीवरी टाइम 1 डे रख लें, इसका भी डिलीवरी टाइम 1 डे रख लें। अब अगर $5 में आप 5 images कर रहे हैं, $10 में आप 10 करेंगे और $15 में 15 करेंगे। इसी तरह अगर आप 10 images $5 में कर रहे हैं, तो आपको पैकेज अकॉर्डिंगली करना है कि जैसे जैसे क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे ये आपने देखना है, और गिग में चेंजेस करनी है। अगर आपको क्लिक्स, आपके इंप्रेशन जा रहे हैं बट क्लिक्स नहीं आ रहे, तो आप अपनी ऑफर को भी अपडेट कर सकते हैं। सो क्योंकि ये इतना मुश्किल काम नहीं है, तो आप इसकी जगह 20 images कर दें $5 में, इसको 40 कर दें, और इसको 60 की जगह 70 कर दें। सो 1 डे, 1 डे इसके लिए आप 2 डेज कर दें। तो आप इस तरह से ऑफर कर सकते हैं अपनी गिग्स। सोर्स फाइल आप देंगे या नहीं देंगे ये आपकी मर्जी है। $5, $10, $15। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, अगर आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी सेकंड वाले को करते हैं, बेसिक प्रीमियम को, तो आप 1 डे में देंगे 2 डेज की जगह, और आप इसमें $5 एक्स्ट्रा चार्ज कर दें। एडिशनल रिवीजन्स, आपने अनलिमिटेड ऑलरेडी दे दिए हैं। सोर्स फाइल, गेट इमेज, अगर सोर्स फाइल चाहिए तो आप इसका रेट मज़ीद ऐड करके भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। गेट इमेज स्टॉक फोटो, यूज़ गेट इमेज लेसन स्टॉक इमेज फॉर $10। जैसे कि अगर आप कोई इमेज एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं और आप डाउनलोड कर रहे होते हैं और पेड काम कर रहे होते हैं, तो फिर आप क्लाइंट को भी चार्ज कर सकते हैं, बट क्योंकि इसमें काम इस तरह का नहीं है तो आप इसमें से निकाल सकते हैं। शिपिंग को भी आप निकाल दें एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब क्योंकि हमने बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम का नाम नहीं लिखा था, तो यहाँ हम नाम लिख देते हैं। कुछ लोग इसके नाम चेंज भी कर देते हैं, तो आप अपनी मर्जी से इसका नाम एडिट कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू कर दिया।
ब्रीफली डिस्क्राइब टू योर गिग। अब आपने ब्रीफली अपने गिग को डिस्क्राइब करना है, उसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट रेडी किया था ताकि यहाँ पे टाइपिंग में ज़्यादा टाइम ना लगे। सो आपने अपने बारे में लिखना है, फाइवर की डिस्ट्रीब्यूशन हाई, ये सब कुछ है, इससे रिलेटेड आपने इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। सो अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि ये गिग की डिस्क्रिप्शन किसी और से कॉपीड ना हो। सेकेंडली, आपने कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी है जो दूसरों से डिफरेंट हो या बेहतर हो ताकि आपको काम मिल सके। इसमें मैंने लिखे लाइक, हाई आई एम काशिफ, आई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 2 ईयर्स इन द फील्ड ऑफ फोटो एडिटिंग एडिटिंग आई प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ, नीचे सर्विसेज हमने दे दी हैं जैसे कि फोटोग्राफ, बैकग्राउंड रिमूवल की सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक मिनट, इसके बुलेट्स ठीक नहीं लगे हैं। अच्छा जी, इनको सिलेक्ट करके बुलेट्स लगा देते हैं। हाँ जी, आई एस सर्विसेज ऑफ बैकग्राउंड रिमूवल, कट ऑफ बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड, चेंज बैकग्राउंड टू एनी कलर एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ये लिख दिया। फोटोग्राफ बैकग्राउंड ब्लर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि आप फोटो की बैकग्राउंड को ब्लर भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, या आप कैनवा पे जाके भी इसको चेंज कर सकते हैं। फोटो रिटचिंग, इंक्रीज ब्राइटनेस, शेडो सेटिंग, ब्यूटिफिकेशन वगैरह ये आप कर सकते हैं एटसेट्रा के बाद आपको ये क्लोज भी करने में। ब्रैकेट, आई हैव डन एमबीए इन मार्केटिंग, जाहिर है आपने जो स्टडी की हुई होगी आप वो लिखेंगे। आई हैव कंप्लीटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स एंड हैव हैप्पी क्लाइंट्स, आई एम कमिटेड टू प्रोवाइड क्वालिटी एडिटिंग सर्विसेज, प्लीज कॉन्टेक्ट मी फॉर एनी काइंड ऑफ फोटो बैकग्राउंड रिमूवल वर्क, ये आपने लिख दिया। आई वुड ऑलवेज बी ग्लैड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू माई क्लाइंट्स 24/7 अक्रॉस द होल वीक इंक्लूडिंग वीकेंड्स। अब ये वीकेंड्स ऐड करने से क्या हुआ कि लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे इस चीज़ को हासिल करने के लिए। वाई चूज मी, क्वालिटी सर्विसेज, अनलिमिटेड रिव्यूज, प्रोजेक्ट टाइम डिलीवरी। आप ये पॉइंट्स भी हाईलाइट कर सकते हैं कि आप क्वालिटी सर्विसेज दे रहे हैं, आप अनलिमिटेड रिव्यूज दे रहे हैं और प्रोजेक्ट टाइम पे आप देंगे, ये आप एक अपने की पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ज़ाहिर है बिल्कुल सेम ना लिखिएगा, थोड़े चेंज कर दीजिएगा ताकि आपको कोई गी का इशू ना आए। एंड एफएक्यूज़ में अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, ऐड अ क्वेश्चन, डू यू ट्रांसलेटर। यहाँ पे आप कुछ कोई भी क्वेश्चन क्लाइंट से पूछना चाहते हैं या आप समझते हैं कि क्लाइंट के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप वो लिख सकते हैं कि ऐड अ क्वेश्चन और उसका आंसर लिख के, ताकि क्लाइंट को आसानी हो किसी भी चीज़ में समझने के लिए। यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर दिया आपने। एंड गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर टू गेट स्टार्टेड। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन डालना चाहते हैं अपनी मर्जी से तो वो भी आप एफएक्यू ऐड कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे हम अभी। वो ये कह रहा है कि यू मस्ट ऐड एटलीस्ट वन रिक्वायरमेंट। यहाँ पे अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डू यू नीड ओनली बैकग्राउंड रिमूवल और वांट द बैकग्राउंड ऑफ द फोटोग्राफ इन एनी स्पेसिफिक कलर, जैसे कि आप अपनी पिक्चर्स आप आमतौर पे जैसे ब्लू बैकग्राउंड के साथ चाह रहे हो तो क्लाइंट चाह रहा होता है कि जी इसका बैकग्राउंड ब्लू हो जाए, तो आप ये पूछ लें। एंड गेट इन फॉर एग्जांपल एड ऑप्शन वाइट ब्लू एंड द कलर, अगर वो इनमें से कोई भी सिलेक्ट करता है वो फिर अपनी गिग में आपको मैसेज भी ड्रॉप करके डिटेल बता सकता है। इसको ऐड कर दिया एंड देन सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अब आपने पिक्चर जो लगानी है गिग की वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको मैं अगर इसका वॉल्यूम क्लोज कर दूं तो यहाँ पे आपको इनकी गाइडलाइन के थ्रू भी पता लग रहा होगा कि गिग में इमेज की इम्पोर्टेंस बहुत है। ये वीडियो देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये व्हाट डज इट मीन बाय हैविंग अ गुड गिग इमेज।
इमेज देख के लोगों की परसेप्शन डेवलप हो रही होती है और उसकी बेस पे आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने गिफ्ट के डिज़ाइन बनाना है। तो अब वो डिज़ाइन किस तरह से बनाना है, ऑब्वियसली यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, ये आप डिटेल में रीड कीजिएगा। और विल मूव ऑन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप वीडियो भी लगा सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं और पिक्चर भी लगा सकते हैं। गाइडलाइन में जो एक्चुअल पॉइंट है वो ये है कि आपका इमेज किस साइज़ में होना चाहिए, 128x679, 769 ये साइज़ होना चाहिए। रीसाइज इमेज के बारे में भी उन्होंने बताया है, इमेज क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, बेहतर है कि शार्प और हाई रेजोल्यूशन फाइल होनी चाहिए। और साथ में ये कि भी एक डोंट यूज़ क्लिक बेट की, अगर आपने कुछ लिखा हुआ है और उसे रेलिवेंट सर्विस दे रहे हैं तो तब भी आपकी गिग डी रैंक हो सकती है। हमें ये साइज़ चाहिए था 7128x769 पिक्सल। अब हम जाएंगे कैनवा पे, CANVA पे, पर्सनल पे क्लिक कर दिया। मे बी लेटर पे क्लिक कर दिया। अच्छा जी, आप यहाँ पे गए और अब आपको चाहिए स्पेसिफिक टेम्पलेट। तो आपने यहाँ पे पहले सर्च करना है कि क्या ये फाइवर रिलेटेड कोई टेम्पलेट है। नहीं, टेम्पलेट नहीं है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे फेसबुक लिखेंगे तो फेसबुक लाइव पोस्ट और इनके टेम्पलेट से रिलेटेड डिज़ाइंस आ जाएंगे। अगर आप YouTube लिखेंगे तो YouTube इंट्रो, थंबनेल, आउट्रो, बैनर से रिलेटेड भी थीम्स एंड टेम्पलेट्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि पिक्चर चाहिए, तो हम यहाँ पे जाएंगे और डिज़ाइन बनाएंगे, कस्टम साइज। अच्छा जी, कस्टम साइज पे हमने क्लिक कर दिया। अब हमें विड्थ चाहिए थी 1280x769 पिक्सल। क्रिएट ए न्यू डिज़ाइन। अब हमने डिज़ाइनिंग यहाँ पे आपके लिए डिज़ाइन रिमूव बैकग्राउंड लाइक अ प्रो, यहाँ पे बाय काशिफ स्टैंड फॉर एग्जांपल। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये मेरी पिक्चर आ जाइए, पिक्चर रिमूव हो गई। और यहाँ पे मैं अपलोड्स पे जाऊँगा और अपलोड मीडिया कर देता हूँ। मैं अपलोड मीडिया पे मैं अपनी कोई पिक्चर लगा देता हूँ, बैकग्राउंड आ रहा है तो हम विदाउट बैकग्राउंड कर देते हैं। इसको सिलेक्ट किया, ये पिक्चर यहाँ पे आ गई। इस पिक्चर को अगर मैं बड़ा करना चाहूँ तो मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। बस इसको स्केल करना है ताकि ये इसमें फिट आ जाए। अब मैंने ये अपनी पिक्चर लगाई, रिमूव बैकग्राउंड लाइक अ प्रो, और इसको अब मैं डाउनलोड कर लूँगा। शेयर पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक कर लूँगा। डाउनलोड में PNG फाइल सजेस्टेड है, बट क्योंकि मुझे JPEG चाहिए तो मैं JPEG को क्लिक करूँगा और इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है एंड दिस हैज़ बीन डाउनलोडेड। चलें जी, अब जो पिक्चर डाउनलोड हुई है
जो पिक्चर डाउनलोड हुई है अब उसको अपलोड करने का टाइम है फाइवर में जाके। सो आई विल गो एंड क्लिक ऑन द डाउनलोडेड ऑप्शन। ये जी मैंने अभी आपके सामने डिज़ाइन बनाया था गिग का, ये मैंने डिज़ाइन बना लिया और सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। दैट यू हैव रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा कि मैं आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस से एग्री करता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। सो ऑलमोस्ट देयर, लेट्स पब्लिश योर गिग एंड गेट सम बायर्स रोलिंग इन। सो मैंने ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स, गैलरी एंड पब्लिश, ये सारे पॉइंट्स फुलफिल कर दिए हैं। सो अब इट्स टाइम कि मैं अपनी गिग को पब्लिश कर दूँ। लेट्स पब्लिश द गिग। अब यहाँ पे लिखा हुआ योगी गिग ओपन फॉर बिजनेस, स्प्रेड द वर्ड टू बूस्ट योर सेल्स। इसका लिंक आप सोशल मीडिया पे शेयर भी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट भी शेयर कर सकते हैं। फिर आप अपनी ट्रैक अर्निंग्स, मतलब कि अपनी अर्निंग्स को आप ट्रैक कर सकते हैं, अपनी पेमेंट्स को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं एंड क्रिएट ऑफर न्यू क्लाइंट्स। अच्छा जी, ये आपने सब कर लिया। लेवल अप योर स्किल्स फाइवर लर्न, यहाँ पे कुछ कोर्सेज हैं जो आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करके डिटेल्स देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो फाइवर पे, अगर आप ये कोर्सेज लेंगे और आप इसको पास आउट करेंगे तो आपको एडिशनल बैजेस भी ऑफर करता है फाइवर, और आपकी प्रोफाइल मज़ीद बेहतर हो जाएगी। सो हम आपकी एक सी तरफ है। सो मेरी ये गिग प्रोवाइड पब्लिश हो चुकी हुई है। डू प्रोफेशनल फोटो बैकग्राउंड इमेजेस फॉर यू, बट इसमें एक इशू है। वो इशू ये है कि मुझे इसको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, कि इसमें मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी है। आई विल डू प्रोफेशनल फोटोग्राउंड इमेज रिमूवल फॉर यू, कि मैंने बैकग्राउंड इमेज को रिमूव तो करना है ना, इससे तो लग रहा था कि प्रोफेशनल फोटो बैकग्राउंड इमेज बनाना है। सो आई विल सेव इट। अभी ये सेव हो गई है। मैं यहाँ से भी सेव कर दूंगा तो ओवरऑल सेव हो जाएगी। लेट्स गो बैक टू गिग्स। जी, डू प्रोफेशनल फोटो बैकग्राउंड इमेज रिमूवल फॉर यू, यहाँ पे आ गया। अब जितने पर डे इम्प्रेशन आएंगे वो भी मुझे पता चलते रहेंगे, क्लिक्स का भी, और अगर ऑर्डर आएगा तो उस ऑर्डर को फिर मैं फुलफ़िल करूँगा, और ये मेरी इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहेगी। इसी तरह अर्निंग्स हैं, अगर अर्निंग्स पर मैं क्लिक करूँ तो अर्निंग्स में ये बताएगा कि मैंने क्या अर्न किया, जैसे नेट इनकम है, विदड्रॉन है, यूज़ फॉर परचेज है, पेंडिंग है, क्लियरेंस अवेलेबल फॉर विड्रॉल है। तो जब ये अवेलेबल फॉर विड्रॉल होगा फिर आपने बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू लेना है, रेवेन्यू कार्ड के थ्रू लेना है, पेपैल के थ्रू लेना है। आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर पेपैल के साथ आप अपने पेयोनियर का अकाउंट है उसके थ्रू भी आप कनेक्ट करके अपनी पेमेंट ले सकते हैं। यहाँ शो एवरीथिंग है, विड्रॉन, आपने कितने पैसे निकलवाए, पेंडिंग कितने हैं, कैंसल कितने हैं, क्लियर कितने हैं, और यूज़ फॉर परचेज कुछ अपने अगर बाय किया लाइक कोर्सेज वगैरह, तो वो सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे आ सकती हैं। सो आई होप कि आपने काफ़ी सीखा होगा आज के सेशन में, एंड इसको यूटिलाइज करेंगे सो दैट यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी पर मंथ। एंड गुड लक टू यू। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।